आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बनाने में जितनी सिंपल है खाने में उतनी ही टेस्टी है। इसे आप कुटू की पूड़ी के साथ, सिंघाड़े की पूड़ी के साथ या आप शमा के चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी देखते हैं कि इतनी इजी और सिंपल सी रेसिपी कैसे बनेगी। व्रत वाली सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून है। घी गरम हो गया है। 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर को अच्छे से गलाना है। टमाटर अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए अच्छे से गल गए हैं टमाटर। अगर टमाटर नहीं गले हैं तो 1 से 2 मिनट और पका लें। 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जल्दी से इस स्टेज में फ्लेम को फुल रखना है। उबले हुए आलू डालेंगे। 3 आलू हैं बड़े साइज के, हाथ से तोड़ के डालेंगे। हाथ से ही तोड़ के डालना है, काट के मत डालिएगा, उसे टेस्ट नहीं आता मजेदार। 3 बड़े साइज के बॉयल्ड आलू हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ऐड करेंगे। मैंने दही वाली कटोरी में ही पानी डाल लिया था इसलिए पानी वाइट है थोड़ा सा। 2 कप पानी डाला है। अगर सब्जी की ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही हो तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ये सब्जी 2 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 3 आलू लिए हैं। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बॉईल आने देंगे। 1 बॉईल आ गई है इसमें। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है सब्जी। ये सब्जी टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। अब धनिया ऐड करेंगे। बहुत सारे लोग व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सब्जी बनके रेडी हो गई है, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। आलू की सब्जी बनके रेडी है, ये देखिए। ये व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे बनाना बहुत सिंपल है, आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।